बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का बाजार शास्त्र में। मैं हूँ प्रियंका उप्पल आनंद। बहुत बार हम सुनते हैं कि कहा जाता है कि जब बाजार में या फिर किसी एक पर्टिकुलर प्राइस में जब एक सस्टेन डाउन ट्रेंड देखा जाता है तो आपको एक ऐसा मौका ढूंढना चाहिए जहां बॉटम फिशिंग की जा सकती है, यानी कहां पर बाजार में या उस प्राइस में निवेश किया जा सकता है। लेकिन ये बॉटम फिशिंग आखिर कहां की जाए, कैसे की जाए या फिर क्या करनी चाहिए, इसी को समझ लेते हैं। हमारे साथ हमारे शो के एक्सपर्ट सुनील मिगलानी बने हुए हैं। सुनील, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कई बार होता है कि कोई एक पर्टिकुलर अगर स्टॉक की बात की जाए, कहा जाता है कि 52 वीक हाई से अब लगभग 50% 60% टूट गया। कंडीशन कोई भी हो सकता है पूरी मार्केट ही टूट रही है या फिर वो उस पर्टिकुलर स्टॉक में गिरावट लगातार देखने को मिल रही है। कब करनी चाहिए बॉटम फिशिंग या फिर बॉटम फिशिंग की जाए ऐसे स्टॉक्स में जो इतने बीटन डाउन हो चुके हैं? नहीं देखिए, बॉटम फिशिंग करना कोई गलत नहीं है, लेकिन बॉटम ही है यहाँ, ये कौन डिसाइड करेगा। हमारा कहना ये रहता है, जैसे लोग अभी आपने जैसे बोला 200 रुपये का स्टॉक 20 रुपये आ गया, अभी बॉटम समझ रहे हैं उसको हम, लेकिन अगर वो बॉटम नहीं हुआ तो वो 10 भी हो सकता है। कोई MRP सिस्टम नहीं है हमारी मार्केट में, समझिए। यहाँ प्राइस फिक्स नहीं है किसी चीज़ का कि MRP से नीचे मिल रहा है तो मैं ले लेता हूँ क्योंकि हो सकता है सस्ता मिल रहा हो। सस्ते की डेफिनेशन क्या है? सस्ता हम ये कहते हैं कि बॉटम पे हम भी लेते हैं, लेकिन बॉटम फिशिंग का एक अलग तरीका है लेने का कि कम से कम आप उस प्राइस को तो बोलने दीजिए कि उसका बॉटम बन चुका है। अभी एक स्टॉक गिर रहा है गिरता जा रहा है, आप उसको सोचते हैं उसका 40 यूनिटेक का एक शेयर है, वो शेयर 500 रुपये से और 20 रुपये तक आ गया। 500 से जब गिरा तो 300 पे लोगों ने सोचा बॉटम है, 300 से फिर वो 200 आ गया, लोगों ने फिर सोचा बॉटम है, 200 से 100 आ गया, लोगों ने फिर सोचा बॉटम है, उसके बाद वो 20 रुपये आ गया। बॉटम का डेफिनेशन क्या है? बॉटम फिशिंग क्या? कोई MRP फिशिंग से जनरली एक परसेप्शन लोगों को ये लगता है कि शायद बहुत ओवरसोल्ड हो चुका है, बहुत महंगा रह चुका है। आप ठीक कह रहे हैं, बॉटम कहाँ तलाश है ये समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक परसेप्शन जो आम लोगों के बीच में जो एक बहुत मिथ है जिसमें लोग फंसे, उन्हें लगता है कि अब तो ये 40% करेक्ट हो चुका है अपने हाई से, तो शायद ये बॉटम बन गया। नहीं, शायद नहीं होता। देखिए, जब मार्केट में आप काम करते हैं, ना समझ लोगों में और समझदार लोगों में यही फर्क है। एक से हम वही डिस्कस कर रहे हैं कि लगता है नहीं होता, यहाँ पे आपको दिखना चाहिए, ठीक है, कि वो प्राइस बिहेव कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए, एक मैं बात बताऊँ आपको, मार्केट जब चलता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, वो दोनों साइड पे एक्सेस करता है। ऊपर जाता है तो आपको हमेशा लगता है बहुत बढ़ गया है, लेकिन वो रुकता ही नहीं है शेयर। नीचे आपको लगता है बहुत गिर गया, लेकिन वो नहीं रुकता है, रुकेगा जरूर, वो जीरो से नीचे नहीं जाएगा ये गारंटी, लेकिन जीरो तक जा सकता है जी। अब एक आदमी है वो कहता है मैं बॉटम पे ले रहा हूँ, उसको मालूम नहीं है। हम ये कहते हैं कि बॉटम पे आप लीजिए, लेकिन कम से कम ये कन्फर्म होने दीजिए कि वो एरिया बॉटम है। और वो कन्फर्म कैसे होगा? वो कन्फर्म होगा जब वो कहीं पे अपनी बेस बना के वो स्टॉक ऊपर आना शुरू होगा, तो हम ये मान के चलते हैं कि अब ये बॉटमिंग आउट एरिया है। यानी अगर उसकी साइकिल रिवर्स हो रही है, फर्स्ट सिम्टम आने दीजिए। देखिए, शेयर के बच्चे भी ना शुरू में ना आपको ऐसा लगेगा बिल्ली के बच्चे हैं। शुरू में आप 5, 10, 20 इकट्ठे कर देंगे ना, आपको पता नहीं चलेगा शेयर के बच्चे कौन से, बिल्ली के बच्चे कौन से। अब जुआरी में और एक काम करने वाले बिजनेसमैन में यही फर्क है। जुआरी कहता है मेरे को लग रहा है ये 4 बच्चे जो है शेयर के, लग रहा है क्या, मतलब दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो लगने पे मत जाइए, फर्स्ट साइन आने दीजिए। फर्स्ट साइन जब आएगा उसका बिल्ड चेंज होगा, उसके दांत निकलने शुरू होंगे, उसका कलर चेंज होना शुरू होगा, आपको हल्का सा साइन आए कि हाँ ये शेर का बच्चा है, यानी तुक्का नहीं चलाना, आपको इंडिकेशन मिलेगा तो आपको दिखना चाहिए। जब आप भीड़ में होते हैं तो अच्छा शेयर बुरा शेयर, बॉटम पे आपको लग रहा है नीचे पड़ा हुआ है 50 रुपए का शेयर है, वो आप सभी एक जैसे लगेंगे, उसमें कौन सा ऐसा शेयर है जो शेयर है बिल्ली नहीं है, वो पता कैसे चलेगा? वो जब उसमें फर्स्ट साइन आने शुरू होंगे, इनिशियल साइन। अभी यूबी होल्डिंग्स का एक शेयर है, वो भी नीचे था अभी पीछे तक 60 रुपए 50 रुपए, लेकिन उसमें धीरे धीरे एक साइन आना शुरू हुआ ऊपर जाने का, 80 रुपए आया, 100 रुपए आया, 100 पे आके खड़ा रहा कुछ टाइम तक, फिर थोड़ा करेक्ट किया, फिर ऊपर चला। तो यानी कि फर्स्ट साइन आने पे आप अगर बाय करते हैं, आज वो शेयर 150 रुपए था पीछे तक, तो आप ये समझिए जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो भी बॉटम पे लेते हैं, लेकिन वो बॉटम कंफर्म होने देते हैं। थोड़ा ऊपर जरूर मिलेगा इसमें आपको, ऐसा नहीं है कि ऊपर नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर मिलेगा,
लेकिन वो कंफर्म्ड होगा जी। अगर आप इस तरह से चॉइस करेंगे 20 शेयर और उसमें से आपके 2-3 शेयर ऐसे भी निकल गए जो आपने शेयर के बच्चे समझे और बिल्ली के निकल गए, कोई बात नहीं, उनको छोड़ दीजिए, जो 7 बच गए हैं उन पे राइड कीजिए ना। बॉटम फिशिंग की बात की जाती है यहाँ पर कि वैल्यू बाइंग कीजिए, उसे एक अट्रैक्टिव प्राइस पर खरीद लीजिए। बॉटम फिशिंग करने के लिए भी लेवल क्या होना चाहिए इसको समझिए कि कहाँ पर एक्चुअली में खरीदारी होनी चाहिए। बहुत सारे व्यूवर्स के और भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे व्यूवर्स, एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स हमें व्यूवर्स से मिल रहा है क्योंकि लगातार हम अपने व्यूवर्स को कह रहे हैं कि अगर आपकी भी कोई क्वेरी है तो आप हमें bazaarshastra@znetwork.com पर ईमेल कर सकते हैं। और ऐसी एक क्वेरी हमारे साथ हमारे एक व्यूवर ने भी शेयर किया है, प्रशांत है दिल्ली से फोन लाइन पर हमारे साथ। प्रशांत बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी नमस्कार जी, मेरा सवाल ये है कि मैं ब्रोकर से जब भी कोई एडवाइस लेता हूँ रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट तो मुझे ज्यादातर ये बोला जाता है कि आप फ्यूचर में ट्रेड क्यों नहीं करते। तो मेरा सवाल ये है कि अगर कि मतलब बेनिफिशियल क्या है कि मैं फ्यूचर में ट्रेड करूँ या फिर मैं कैश में करूँ। जी चलिए जान लेते हैं सुनील से। सुनील जैसे कि अब ये पूछ रहे हैं प्रशांत कि इनका ब्रोकर कहता है कि भाई मार्जिन पर अगर आप फ्यूचर्स में डील करते हो तो आपको मार्जिन कम देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू कैश। फ्यूचर में ट्रेड करना और डिलीवरी लेकर यानी कैश में आपने खरीदारी की और उसकी डिलीवरी ले ली, दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है व्यूअर को? क्योंकि वाकई लगता है कि अगर फ्यूचर में पूरा एक लॉट खरीद लें तो 20% का तो मार्जिन देना पड़ेगा। फ्यूचर में वो लोग काम करते हैं जो बहुत ही शॉर्ट टर्म का नज़रिया लेकर चलते हैं, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, फ्यूचर में वो लोग काम करते हैं जिनको ये पता है कि हाँ मुझे 6 महीने ये स्टॉक होल्ड करना है या मेरा व्यू 6 महीने का बना रखा है मैंने, उस आदमी को फ्यूचर में मुझे नहीं लगता काम करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, अगर वो फ्यूचर में काम कर भी रहा है तो उसको कम से कम इतनी अवेयरनेस जरूर होनी चाहिए कि अगर मैं इसमें 20% का मार्जिन दे रहा हूँ लेकिन रिस्क मैं 100% का ले रहा हूँ, इसमें जो मेरे पास में स्टॉक आ रहा है वो पूरा आ रहा है। अभी अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का 250 का लॉट है तो 250 शेयर मुझे ले रहा हूं मैं, चाहे मैंने उसके पैसे कम दिए हैं जी, लेकिन अगर वो शेयर यहां से 100 रुपए गिर गया तो मुझे 25,000 का लॉस हो जाएगा। यानी रिस्क आपका बहुत बड़ा हो जाता है फ्यूचर में क्योंकि आप लॉट्स में डील करते, लॉट में डील करते हैं। यानी एक लॉट होता है जैसे SBI का भी इन्होंने एग्जाम्पल दिया, 250 का लॉट होगा लेकिन उसकी 250 जितना जितने का SBI शेयर होगा उसका सिर्फ 20% आप फ्यूचर में देते हैं लेकिन रिस्क आपका 100% हो जाता है। यानी रिस्क की डील होती है फ्यूचर बहुत, और उनको करनी चाहिए जो इसमें माहिर है। माहिर है बिल्कुल, जो इसमें माहिर है उन्हें ही करनी चाहिए, बिगनर्स को या फिर थोड़ी बहुत समझ वालों को इससे फिलहाल दूर ही रहना चाहिए। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस हाजिर होंगे और ये भी जानेंगे कि बाजार में टेक्निकल एनालिस्ट की बात तो सुननी चाहिए लेकिन ऐसा क्यों कि कभी टेक्निकल एनालिस्ट कहते हैं कि उनकी आउटलुक पॉजिटिव है मार्केट पे, बाजार 5700 चला जाएगा और अगले ही दिन या फिर 2 दिन बाद ऐसे भी कह देते हैं कि शायद अब एक बियरिश ट्रेंड बनने वाला है। क्यों ऐसी इस तरह की बातें हम सुनते हैं, जल्द जानेंगे सुनील से लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है, आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और मेरे साथ सुनील मिगलानी बने हुए हैं। सुनील, बहुत बार होता है व्यूवर्स शायद इसमें बहुत कंफ्यूज होते होंगे कि टेक्निकल एनालिस्ट एक दिन तो कहते हैं कि बाजार अब एक अप ट्रेंड में है, बाजार में एक बुलिश सेंटिमेंट बना हुआ है, FIs बाइंग कर रहे हैं और आपको भी आप आने वाले दिनों में 1 हफ्ते में 3 दिन में शायद 5700 के लेवल देख सकते हैं, लेकिन एक दो दिन ही होता है कि शायद कोई ग्लोबल सेंटिमेंट वीक मिलने लग जाता है तो कहते थे कि नहीं शायद अब यहाँ पर जो निफ्टी का सपोर्ट है वो शायद 5450 होगा। ऐसा क्यों कि एक ही दो दिन में ही व्यू जो उनका व्यू है वो चेंज हो जाता है? व्यू चेंज करना है आपको, अगर आप मार्केट में सर्वाइव करना चाहते हैं तो आपको व्यू चेंज करना है क्योंकि हम डेटा रीड कर रहे हैं, समझिए। हमने लास्ट एपिसोड से में किया बात कि बादल जब हम देखते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि बारिश आने वाला है, एक खास तरह के बादल। बादल क्या है? बादल एक्चुअली डेटा है जिसको हम रीड कर रहे हैं। बादलों को क्रिएट करना हमारे हाथ में नहीं है, उसको रीड करना हमारे हाथ में है। यहाँ पे बादल क्या है? प्राइस। प्राइस को बनाना हमारे हाथ में नहीं है, प्राइस को रीड करना हमारे हाथ में है। आज 2 घंटे पहले अगर बादल हैं तो हम ये बोल रहे हैं बारिश आने वाला है क्योंकि बादल है इसलिए दिख रहे हैं। 2 घंटे बाद अगर बादल चले जाते हैं फिर भी मैं ये बोलता रहूं कि बारिश आने वाला है, इसका मतलब तो मैं एनालिस्ट नहीं हूं।
अगर मुझे डेटा बोल रहा है, अगर मेरा डेटा चेंज हो गया तो मुझे अपना व्यू चेंज करना है। कई बार ऐसा होता है कि बादल होने के बाद बारिश नहीं आती, कई बार प्राइस में ऐसा होता है कि पैटर्न बनने के बाद ऊपर नहीं जाता तो हम व्यू चेंज करते हैं। स्टॉप लॉसेस और किस लिए होते हैं? अगर 100% हम राइट है फिर स्टॉप लॉस की जरूरत क्या है? यानी हो सकता है कि अगर आपको ये दिख रहा हो कि अभी मार्केट में पॉजिटिव न्यूज है, उसको मोमेंटम बना रहेगा, निफ्टी ऊपर जाएगा, स्टॉक ऊपर जाएगा, बैंकिंग पूरा ऊपर जाएगा, लेकिन शायद बारिश हुई ही नहीं जिसके कारण पानी बरसा नहीं। आपने प्रिडिक्ट तो कर लिया, बादल आए लेकिन बारिश नहीं हुआ, तो हम उस समय अपना व्यू चेंज कर लेते हैं। ठीक है, पैटर्न दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि जाएगा ऊपर लेकिन नहीं गया, स्टॉप लॉस हिट कराया, बाहर आ गए, दैट्स इट। हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं, बोलते सर ये व्यू बार बार चेंज करते हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज वो इसलिए होते हैं कि उनको सिस्टम नहीं पता, डेटा चेंज होगा तो हमें व्यू चेंज करना पड़ेगा। और एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जो लोग ये बात करते हैं कि वो व्यू चेंज नहीं करते, व्यू उनको भी चेंज करना पड़ता है अपना, मार्केट उनका व्यू चेंज करवा देगा, लेकिन वो व्यू चेंज करते हैं लॉस खाने के बाद। वो लॉस खाने के बाद व्यू चेंज करते हैं, वो कहते हैं यस अब हमें लग रहा है मार्केट नीचे, मार्केट नीचे आ चुका होता है, तब तक मार्केट सबसे ऊपर है, वो आपका व्यू चेंज करा देगा। लेकिन एनालिस्ट या इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जो इनिशियल साइन में अपना व्यू चेंज करते हैं। यानी अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लें सुनील, कि जैसे अभी फिलहाल जिस तरह से बोला कि रिफॉर्म्स को हरी झंडी मिल रही है और उसके चलते एक पॉजिटिव मोमेंटम मिल रहा है मार्केट को, पेट्रोल मिल रहा है, फ्यूल मिल रहा है, जिसके कारण बाजार में एक तेजी बनी रहेगी। लेकिन इस बीच एक सिर्फ स्टॉक की स्पेसिफिक अगर बात करें, जस्ट टू गिव मोर क्लैरिटी टू व्यूअर्स, जैसे एग्जांपल डीएलएफ है, पूरा रियल एस्टेट सेक्टर में एक बूम चल रहा था, लेकिन एक कंट्रोवर्सी के चलते डीएलएफ जो है वो नीचे पे नीचे चला जाता जा रहा था, बिकॉज उसके लिए उस टाइम न्यूज फ्लो डिफरेंट हो गया। यानी यहां व्यू चेंज हो गया बिकॉज ऑफ सम रीजन। हाँ बिल्कुल, आज उस स्टॉक में हल्का सा जो आना शुरू हुआ था मोमेंटम, लेकिन किसी न्यूज फ्लो की वजह से नीचे आ गया, तो हम अभी भी बोलते रहे कि नहीं हमें तेज लग रहा है, हमें तेज, जब तेज लगना शुरू दोबारा होगा तो दोबारा बोला जाएगा व्यू अभी हमें चेंज करना पड़ेगा। मैंने आपको जैसे बोला कि रिटेल इन्वेस्टर भी अपना व्यू बदलता है, लेकिन वो लॉस खाने के बाद बदलता है। लॉस खाने के बाद बदलने का फायदा क्या? इस मार्केट में आप कौन है? मार्केट सबसे ऊपर है, मार्केट आपका व्यू चेंज करा देगा। यानी आपको इमोशंस नहीं जोड़ने हैं। आप बड़े से बड़े आदमी को हमने यहाँ पे तेजी में आते देखा है जो मंदी में था, उस आदमी को मंदी में आते देखा है जो तेजी में था। इस मार्केट के लिए एक शेयर है, मैं आपको बताता हूँ प्रियंका जी, वो कहते हैं कि दुनिया वालों मेरे बारे में कोई राय कायम ना करना, दुनिया वालों मेरे बारे में कोई राय कायम ना करना, क्योंकि मेरा वक्त बदलेगा तो तुम्हारी राय बदल जाएगी। इस मार्केट का भी जब वक्त बदलता है ना प्रियंका जी, तो लोगों की राय बदल जाती है। अच्छे अच्छों की राय बदलते देखी है हमने, लेकिन उस राय बदलने का फायदा क्या जब आप लॉस दे चुके? मार्केट आपको राय चेंज करा देगा। लोग 5200 पे बोल रहे थे मार्केट गया, इन्फ्लेशन हाई, कोई रिफॉर्म्स नहीं, अभी 5800 पे व्यू चेंज करना पड़ेगा आपको। कैसे नहीं करेंगे आप? राइट, आपको करवा देगा मार्केट व्यू चेंज। और जिस दिन आपका व्यू चेंज हो जाएगा, जिस दिन आप कहेंगे यस अब हम अपना व्यू चेंज कर चुके हैं, उस दिन करेक्शन शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब स्मार्ट आदमी प्रॉफिट बुक करेगा। इसलिए हम लोग इनिशियली ही उस चीज को पकड़ने की कोशिश करते हैं कि अब ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कहीं भी ऐसा लेवल आएगा जरूर जहां पे लोग पॉजिटिविटी में आने शुरू हो जाएंगे। चलिए, आपने एक और पॉइंट यहाँ जोड़ दिया कि स्मार्ट इन्वेस्टर उस वक्त बेचना शुरू कर देता है, ये व्यू भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन बड़ी बात जो यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम व्यूवर्स को समझाना चाहते हैं कि आप अपने ट्रेड्स के साथ इमोशनल मत हुए, क्योंकि बी अन इमोशनल अबाउट योर ट्रेड्स, क्योंकि टेक्निकल एनालिस्ट या फिर टीवी पर, पेपर में या फिर एडवाइजर्स को जो हम सुनते देखते हैं कि व्यू टाइम टू टाइम बदलता रहता है, उसके पीछे रीजन होता है, उसके पीछे रीजन होता है। और एक और बात जो यहाँ पर सुनील ने छेड़ दिया, इनफैक्ट एक कोशिश ये करेंगे जाने की कि अगर एक बड़े ब्रॉडर सेंस में, यानी इंडेक्स को ही देख लें, अगर निफ्टी को ही देख लें, निफ्टी की जो हर बार जो चाल रही है, क्या एक ही तरह का पैटर्न हर बार रहता है? क्यों ऐसा रहता है? एक छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे। आप कहीं मत जाएगा, देखते रहिए बाजार। We'll be right back.
फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बाजार शास्त्र और कई सारे मिथ्स, कई सारी उलझने जो व्यूवर्स की होती हैं उन्हीं को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बार फिर से अपने व्यूवर्स को याद दिला दें कि अगर आप भी हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, किसी कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं, फिर मार्केटिंग कोई ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट जिसकी साइकोलॉजी क्या है, जिसके पीछे क्या रीजन होता है, इसे समझना चाहते हैं, तो आप हमें हमारे ईमेल एड्रेस bazaarshastra@znetwork.com पर ईमेल कर सकते हैं। और अब चलिए सुनील से ये जान लेते हैं, क्योंकि ब्रेक से पहले सुनील हम बात कर रहे थे कि निफ्टी में अगर इंडेक्स की या ब्रॉडर सेंस में बात कर लें, कई बार हम देखते हैं कि अपवर्ड और फिर डाउनवर्ड, अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी अगर एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से रिलेट करें, पिछले साल ईयर एंड तक हम देख रहे थे सारे एक्सपर्ट्स यही बात कर रहे थे कि मार्केट में अभी बियरिश सेंटिमेंट हावी है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस है, एफआईज बायर्स सेल ऑफ कर रहे हैं लगातार, वीक हो रहा है रुपी लगातार, यूरो जोन का क्राइसिस है, इन सारी इंस्टेंस के बाद मार्केट में लगातार गिरावट के 4700-4500 लेवल्स हम देख रहे थे। उसके बाद जैसे ही साल बदला, नया साल चढ़ा 2012 में, हमने देखा कि मार्केट कंसोलिडेट हुई और अब रिफॉर्म्स के जिस तरह से हरी झंडी दिख रही है मिलती हुई, मार्केट में 5700 तक का लेवल, 5800 तक का लेवल मार्केट ने छू लिया। लेकिन एक बहुत बड़ा फेमस कोट है कि शायद ये व्यूअर्स को भी याद दिला दे कि ये कोट जो सर जॉन टेम्पल्टन का है कि फोर मोस्ट डेंजरस वर्ड्स इन द मार्केट इज दिस टाइम इट्स डिफरेंट। इसे कैसे समझें, इसे कैसे रिलेट करें अगर ब्रॉडर सेंस में निफ्टी की बात करें तो? देखिए, ब्रॉडर सेंस में आप निफ्टी की बात करें या किसी भी चीज़ की, किसी भी स्टॉक की बात करें, इस कोट का मतलब यह है कि सर जॉन टेम्पल्टन ने जब ये बोला था, उन्होंने मतलब इसलिए बोला ये कि जब भी मार्केट में तेजी आता है या जब भी मार्केट में मंदी आता है, कोई ना कोई रीज़न लेके आता है वो। और जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो हर बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि लास्ट टाइम जो तेजी आया था, लास्ट टाइम जो मंदी आया था, उनके रीज़न अलग थे। हर बार उनको लगता है कि नहीं, इस बार ये तेजी सस्टेन करेगा क्योंकि इस बार ये डिफरेंट है, दिस टाइम इज डिफरेंट। पिछली बार तो मार्केट गिर गया था क्योंकि ना बाहर का प्रॉब्लम था, इसलिए हमारा इंडिया का मार्केट रिकवर कर गया, लेकिन इस बार इंडिया का प्रॉब्लम है तो ये रिकवर नहीं करेगा, लेकिन मार्केट फिर रिकवर कर गया। हम पहले बात कर चुके हैं प्रियंका जी के मार्केट साइकिल्स में चलता है, साइकिल नीचे का आएगा, साइकिल ऊपर का आएगा। मार्केट जब ऊपर आएगा, ऊपर का बहाना लेके आएगा, कोई नीचे जाएगा, नीचे का बहाना लेके आएगा, उसको जाना है, रीजन अपने आप उसको पीछे से मिल जाएंगे, कोई ना कोई रीजन मिल जाएगा। जैसे अगर आज मान लीजिए कोई आदमी गाड़ी के नीचे आके मर जाता है, तो लोग बोलेंगे गाड़ी के नीचे आया इसलिए मर गया। इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या गाड़ी के नीचे नहीं आता तो नहीं मरता? नहीं, अगर समय लिखा है तो फिर आपकी, अगर जिसने मरना है उसने मरना है, गाड़ी के नीचे आके मरे, हार्ट अटैक से मरे, पैर फिसल के मरे। यही मार्केट के साथ, अगर मार्केट का रिवर्सल का टाइम आ गया है, अगर एक साइकिल चेंज होने का वक्त आ गया है, तो भाना कोई भी बन जाएगा और वक्त आ जाएगा। 1992 में हर्षद मेहता का स्कैम हुआ तो मार्केट गिर गया, 2001 में जो आईटी बबल हुआ तो मार्केट गिर गया, 2008 में यूएस का डिफॉल्ट हुआ तो मार्केट गिर गया। प्रॉब्लम में कुछ भी आती रहेंगी, और अभी 2011 के जो मेरे ख्याल जनवरी में शायद हमारा इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ गया, इन्फ्लेशन आ गया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिफॉर्म्स नहीं हो रहे। अब देखिए, रीज़न हर बार अलग अलग लगेंगे, लोगों को लगता है इस बार थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम है क्योंकि इस बार हमारा इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, पिछली बार लग रहा था इस बार बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि पूरा वर्ल्ड में क्राइसिस है। तो इस कोट का मतलब ये है कि पार्टिसिपेंट हर बार ये सोचते हैं कि दिस टाइम इज़ डिफरेंट। हर बार हमें ये लगता है कि हम एक बेटा जिसके फादर ने बहुत तरक्की किया, पैसा कमाया, वो बेटा आज वो सोचता है कि आज अगर मेरे पापा होते ना तो नहीं कर पाते क्योंकि दिस टाइम इज डिफरेंट। लेकिन उसके पापा भी ये सोचते थे कि मेरे पापा ने कर लिया लेकिन दिस टाइम इज डिफरेंट, मैं कर रहा हूँ ना बड़े जो इन्वायरमेंट बहुत टफ है। हर एक को यही लगता है। जब मार्केट नीचे उस समय गिरी थी तब भी लोगों को लग रहा था इस बार कुछ अलग है, आज गिरी है तो भी लग रहा है कुछ अलग है, आज ऊपर जा रही है तो भी लगना शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में कि ये अलग है, अब तो सब कुछ ठीक हो गया अब। लेकिन मार्केट साइकिल है, आप उस चीज़ को समझ लीजिए, ये साइक्लिकल है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी आएगा, टाइम आएगा, फंडामेंटल फॉलो कर लेते हैं कहीं ना कहीं। और मार्केट ऐसा नहीं है कि बिना कुछ भी हुए नीचे आ जाता है और बिना कुछ भी ऊपर चला जाता है, मतलब फंडामेंटल होते हैं लेकिन मार्केट उनको पहले सेंस कर लेता है एक्चुअली। राइट, मार्केट उनको पहले सेंस कर लेता है कि ये फंडामेंटल अब चेंज होने वाले हैं, तो अपनी साइकिल पूरी करने का टाइम आ गया, अभी चलो नीचे। राइट, तो लोगों को लगता है कि इस रीजन की वजह से हुआ है,
रीजन की वजह से नहीं हुआ है, रीजन फॉलो कर लेते हैं। यानी रीजन इंपॉर्टेंट तो जरूर है, लेकिन रीजन इज नॉट द ओनली रीजन कि साइकिल चेंज हुई है। साइकिल चेंज होनी ही है, जैसे आप एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर एक आदमी ट्रक के नीचे आकर उसकी ही डाइज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, कोई भी रीजन बन सकता है क्योंकि समय खराब लिखा है, वक्त खराब है उस मार्केट का। तो छोटा सा रीजन भी कई बार हम नोट करते हैं, ट्रेडर यहाँ इस मार्केट में नोट करते हैं, बड़ा बड़ा न्यूज आता है और मार्केट पे इंपैक्ट ही नहीं होता, खराब न्यूज। और कई बार छोटा सा न्यूज आता है और मार्केट इतना बड़ा रिएक्शन देता है क्योंकि अब वक्त आ गया उसका। राइट, साइकिल चेंज हो रही है और इससे साइकिल को ही पहचानने की कोशिश, हम लगातार सीखने की यहाँ कोशिश करेंगे कैसे साइकिल अलग पहचाननी है कि कब साइकिल रिवर्स हो जाती है। इनफैक्ट एक जिस तरह से आप यहाँ, मैं भी आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, बहुत सारे व्यूवर्स के माइंड में ये भी क्वेश्चन आता होगा कि शायद डीप रिसर्च तो खुद करनी होगी, लेकिन किसी को सुन के, किसी से पूछकर, या फिर ऐसे भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हम ऑप्ट कर सकते हैं कोई एडवाइजरी सर्विसेज हो या फिर कहीं से ब्रोकिंग टिप्स ले लें हम ये समझने के लिए कि हाँ अब इस स्टॉक में अब जो साइकिल है वो चेंज हो गई है, यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हो गया तो आप शॉर्ट कर लें, यहाँ से अब अप ट्रेंड हो रहा है तो आप यहाँ से वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। एक्चुअली एडवाइजरी सर्विसेज बहुत लोग लेते हैं लेकिन उसमें वो कामयाब क्यों नहीं हो पाते, आप बाकी लोगों से बातें करेंगे ना आपको उनको मालूम चलेगा कि बहुत सारे लोग लेते हैं एडवाइजरी सर्विस भी लेते हैं, टिप्स भी लेते हैं, आप लोगों को टीवी पे भी सुनते हैं, लेकिन उनका नेट रिजल्ट उनको अच्छा नहीं मिलता। उसका रीज़न क्या है मैं आपको बताता हूँ। एडवाइजरी सर्विसेज जो दे रहा है उसकी कन्विक्शन उस ट्रेड पे है क्योंकि वो कुछ ना कुछ एनालिसिस है उसके पीछे, वो कन्विक्शन वो आपको ट्रेड तो दे देता है अपनी कन्विक्शन नहीं दे पाता, आपको हमेशा डाउट रहता है। अब वो चीज़ जो है, एक गेम को खेलना अलग बात है, गेम की एनालिसिस अलग बात है। अब एक मैच हो रहा है, उस मैच में जो प्लेयर अंदर खेल रहे हैं और एक बाहर आदमी बैठ के कमेंट्री कर रहा है, दोनों में बहुत फर्क है। वो बोल देगा बैट ऐसे पकड़िए, बॉल ऐसे करनी चाहिए सचिन तेंदुलकर को, लेकिन सचिन तेंदुलकर की जरा खेलिए तो पता चलेगा ना। एडवाइजरी सर्विसेज लेने वाले प्रॉब्लम में यहाँ आते हैं कि वो सामने वाले की एनालिसिस सुनते तो हैं, सामने वाला जो एनालिस्ट बोल रहा है वो एक्चुअली कमेंटेटर है, वो कहता है स्टॉक मार्केट में जाइए, ये स्टॉक लीजिए, ये स्टॉप लॉस लगाइए, लेकिन जब उस स्टॉक को सुनने के बाद एक्ट करना होता है उसमें एक अलग तरह की एक्सपर्टीज चाहिए। वो प्ले गेम खेलना है। मैं आपको बताऊँ, ट्रेडिंग जो है, जितनी बातें बुक्स में लिखी होती हैं, जितनी बातें सिखाई जाती हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, ट्रेडिंग उनसे बहुत डिफरेंट है। ट्रेडिंग में उन चीज़ों पे काम करना पड़ता है जिनके बारे में आज आपके देखने वाले जो दर्शक हैं, मेरा ख्याल में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ट्रेडिंग में। और एक अच्छा ट्रेडर एक अच्छा आदमी भी होता है, मैं उसका, हमारे पास उसके सॉलिड ग्राउंड मौजूद हैं एक्चुअली, क्योंकि एक मार्केट जब आपको पैसा देना शुरू करती है उससे पहले वो आपके 100 तरह की बुराइयां आप में से निकालती है। अच्छा ट्रेडर जो होता है ना, उसकी 20 बुराइयां निकलती हैं तभी उसको प्रॉफिट आना शुरू होता है। तो ट्रेडिंग जो है वो एक बिल्कुल अलग तरह का आर्ट है। आपको स्टॉक मालूम चल गया, आपको स्टॉप लॉस मालूम चल गया, आपको एनालिसिस आ गई, तब भी उसमें से पैसा कमाने में जिन बहुत बेसिक चीजों का जरूरत है ना, वो बेसिक चीज़ों के बारे में शायद कोई सोचता भी नहीं होगा। और उन्हें एक्सप्लोर करना होता है, उन्हें रिसर्च करनी होती है, उस पर उसको प्रैक्टिस करना होता है, तभी आप उसमें उस ट्रेड में मुनाफा कमा पाते हैं। बिल्कुल, आपको एक्सप्लोर भी करना पड़ता है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके बारे में जानते ही नहीं है लोग, बहुत ही डीप हैं वो चीज़ें, उनके बारे में जानते ही नहीं है वो लोग। यानी अगर हम ऑप्ट करते हैं एडवाइजरी सर्विसेज की तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना, कुछ बातों का ध्यान। और ये बातें क्या होंगी वो आपको आगे बताएंगे, यानी अगले एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि ये बातें क्या होंगी, किन बातों का ध्यान रखना होगा। बिल्कुल, एक क्ल्यू छोड़ जाते हैं व्यूवर्स के लिए ताकि हमारे व्यूवर्स का फोकस और अटेंशन पूरा बना रहे और इनफैक्ट व्यूवर्स पार्टिसिपेट भी करें, यही हम चाह रहे हैं। बाजार शास्त्र @zeenetwork.com हमारा ईमेल एड्रेस है, आप अपने फीडबैक, अपने सुझाव और इनफैक्ट अपनी क्वेरी भी हमें भेज सकते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा व्यूवर्स हमारे इस शो से जुड़ सकें। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार। हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं जो ठीक नहीं है, उनका स्टार्टिंग फेज जो है विजिटर्स के लिए, आप उसको देखते हैं और वो आपको अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ और वो फंस जाते हैं। यानी ऐसी इंट्राडे ट्रेडिंग भी है, आपको इनिशियली लगता है कि शायद मुझे एक स्टॉक जिसकी डिलीवरी नहीं ले जानी होगी, आज खरीदूंगा और शाम को काट के चला जाऊंगा, 2000 लगाऊंगा और शायद 20,000 का माल ले लूंगा। बिल्कुल, अट्रैक्शन है, इसीलिए लोग फंसते हैं उसके अंदर।